खबर जबलपुर से है, जहां जिला समन्वय अधिकारी ने अमित खंपरिया के खिलाफ जातिगत अपमान एवं गाली गलौज की शिकायत दर्ज। जबलपुर जिला जनपद पंचायत समन्वय अधिकारी राजेश झारिया ने भी अमित खंपरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी शिकायत में अमित खंपरिया पर जातिगत अपमानित करने का, गाली गलौज करने का एवं दबाव बनाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अमित खंपरिया उन्हें जातिगत रूप से अपमानित कर रहा था, वो उन पर दबाव बनाकर अपने अवैध काम करवाना चाह रहा था। बिल्डर सचिन गुप्ता की शिकायत पर कार्रवाई होने के बाद अमित खंपरिया के खिलाफ और भी शिकायतें सामने आने लगी हैं। टोलनाका का ठेकेदार एवं स्वयंभू सामाजिक संगठन का अध्यक्ष अमित खंपरिया अपने पैसों के रसूख के दम पर लंबे वक्त से लोगों को डरा धमका रहा था। अमित खंपरिया अपने अवैध कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। पुलिस का कहना है, अमित खंपरिया को बिल्डर सचिन गुप्ता की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला पंचायत समन्वय अधिकारी की शिकायत पर भी कार्रवाई की जाएगी, यह बात सामने आ रही है। अमित खंपरिया द्वारा संचालित साइकिल स्टैंड और टोलनाका पर फरारी काट रहे शातिर बदमाशों को रखा जाता था। पुलिस से मांग की जा रही है कि उसके साइकिल स्टैंड और टोलनाका में काम करने वाले कर्मचारियों की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। अधिकारी के पद पर जनपद पंचायत जबलपुर में कार्यरत हूँ, है ना, एक शासकीय सेवक हूँ। मैं अमित खंपरिया के खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहता हूँ। अमित खंपरिया द्वारा मुझे लगातार एक वर्ष से मानसिक प्रताड़न और गाली गलौज, माँ बहन की गाली देकर अपमानित कर रहे हैं। पूर्व में मैंने इनके खिलाफ थाने में शिकायत, संजीव नगर थाने में शिकायत की थी 11/1/2021 को, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, है ना। बीच में भी इनके द्वारा मुझे संजीव नगर मौके पर वहाँ पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी, बंदूक लेके मेरे को डराया, धमकाया, कालर भी पकड़ा, है ना। मैं बहुत प्रताड़ित हो गया हूँ, मानसिक शासकीय काम करने में असमर्थ हो रहा हूँ। और आज मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ कि इनने किसी अन्य हमारे सचिन जी के खिलाफ भी के साथ धोखाधड़ी करी है। तब मुझे कुछ लोगों ने समझाया और तो मैं आज अपने आप को संभाल के कोशिश किया हूँ कि आज मैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराऊं, मुझे न्याय चाहिए। कौन से शासकीय विभाग में है और आपके कितने लोग साथी जिनके साथ ऐसा धोखाधड़ी का मामला किया गया, और आपकी मुख्य मांग क्या है? मेरी मुख्य मांग है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मानसिक प्रताड़ना, शासकीय अधिकारी के साथ अभद्रता पूर्वक ऑन ड्यूटी में गाली गलौज करना और जाति सूचक शब्दों से सम्मानित करना माँ बहन, है ना। चूंकि मैं हरिजन, मैं पंचायत विभाग में हूँ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास जनपद पंचायत जबलपुर में पदस्थ और कार्यरत हूँ। ठीक है, अपना नाम बताएं। राजेश झारिया। और इसके अलावा क्या क्या बोला है? इसके गाली गलौज के अलावा माँ की बहन की, बाप की तेरी, है ना, कमीने कुत्ते साले, इस ये आज जो शिकायत दी है, राजेश जी हैं, ये पंचायत अधिकारी हैं और एक शासकीय अधिकारी हैं, और इनका ये आरोप है कि जो अमित खंपरिया हैं इनको विगत कई दिनों से धमकी दे रहे हैं कि इनके अनुरूप काम करें, नहीं तो हम इनको घर से उठवा लेंगे। और इनके साथ कई बार उन्होंने फ़ोनों में अभद्रता की है, जिसके विरुद्ध उन्होंने FIR की मांग की है। पूर्व में भी इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसकी जाँच विगत संजीवनी नगर में चल रही है। अब इनके ये मांग है कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि वो मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हैं उनकी प्रताड़ना दूर हो सके और वैधानिक कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाया जाए। अपने काय जो आवेदन करते हैं वो STSC में भी करते हैं। हाँ, उनका ये भी कहना है कि उनको जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित करते हैं वो फ़ोन करके, तो इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।